गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये जी मैं आपके साथ फिर शॉपिंग हॉल एक किस्म का शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने घर के लिए थोड़ी सी चीज़ें ली थी डेकोर करने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, बहुत चीज़ें हमने डिस्कार्ड कर दी हैं, तो न्यू लेनी ही लेनी थी। ये ली थी 2-4 दिन पहले थी, बट एज सच टाइम नहीं मिला मुझे वीडियो बना के इनको सेट करने का, क्योंकि मैं डेली स्कूल भी जा रही हूँ। ऑनलाइन जो क्लासेज ली थी उनका रिजल्ट बन रहा है, बहुत हेक्टिक रूटीन हो गई है, बच्चे भी देखने होते हैं, घर भी देखना होता है, तो मैं इसलिए थोड़ा लेट हो गई। बट मैंने आपसे शेयर तो करना ही करना था, इसलिए मैं अब शेयर करने लगी हूँ। शेयर करने से पहले प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक भी करें और कमेंट भी किया करें, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि मेरा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो। अल्लाह आपको जजा देगा। नो लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस शॉपिंग। यहाँ से जी मैं शुरू करती हूँ, साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी। एक तो जी ऐसे रखती हूँ मैं इनको साइड पर, ये बास्केट ली थी, मुझे बहुत प्यारी लगी थी, उन्होंने टेप्स लगा दी ये वाली, होपफुली आपको नजर आ रही हो। ये देखें, इसमें कैरिकॉट भी थी। एक मैंने ये ली थी रखने के लिए टेबल के ऊपर, एक मैं आपको और दिखाती हूँ, देन ये बाद में दिखाती हूँ। और ये छोटे छोटे इतने प्यारे पीसीस है ना कैक्टस के पौधे वगैरह के, मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे लगा है लूँ ही लूँ। और ये देखें जी आप, कितना प्यारा है, इतना प्यारा है, छोटू सा जिसकी इंतहा नहीं। देन इसी के साथ के मैंने और भी लिए हैं, ब्लैक सब में इसलिए लिया ताकि थोड़ा सा तो कॉम्बिनेशन हो। और ये देखें, देन दिस वन, इसमें ये जो इसकी बेस ब्लैक है, ऐसे व्हाइट भी थे, बट मैंने कहा पहले ये कहीं रख लूं, ऐसे बहुत चीजें इकट्ठे ले लो तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लिए जी, और साथ ये आपको इधर कर दूं, बास्केट कैसे रखूं, ऐसे रखती हूँ, इंडेक्स से इधर कर दूं। उसके साथ एक छोटा सा मैंने क्यूटू सा ये एक लिया है रखने के लिए, ये देखें, और इसके ऊपर ये है, ये पहले भी थे लेकिन कुछ तो, जैसे आपको पता है रेनोवेशन का काम होता है तो चीजें टूटती बहुत है, कुछ दो तो ऐसे मेरे से, एक बड़ा और एक थोड़ा छोटा था, वो गिर के मेरे से ही टूटा था। एक ये है, देन ये जी फ्लावर लिए हैं मैंने, पहले स्टोन्स वगैरह डाली हुई थी मैंने, सिपियां वगैरह, अब ये लिए। और इसकी बेस्ट बात ये है कि इनमें से खुशबू आती है, इतनी प्यारी खुशबू आती है ना कि यू कांट इमेजिन। ये फुल पैक है, ऊपर एक बड़ा सा फ्लावर है, और दूसरी बात ये है कि फ्रेगनेंस को ये अब्जॉर्ब करते हैं, मीन्स अगर कुछ दिनों बाद या महीने बाद जब भी इसकी फ्रेगनेंस खत्म हो जाएगी, आप कोई भी अपना फेवरेट सा परफ्यूम इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, ये उस फ्रेगनेंस को अब्जॉर्ब करेंगे और फिर ये वही वाली खुशबू आपके पूरे रूम में से आती रहेगी। ये मैंने ऐसे वेजेस वगैरह में डालने के लिए लिए हैं, एक ये लिया है और एक मैंने ये कलर्ड वाला लिया। देन जी एक ये बड़ा लिया है मैंने, ये एक्चुअली जब सामान आगे पीछे रख रहे थे निकाले तो मेरे से ही टूट गया था गिर के, तो ये मैंने इसी जिस टेबल पे आपको मैं दिखा रही हूँ इसी पे रखने के लिए लिया है। आई डोंट नो हाउ टू रिमूव, ये फटेगा, चलें ये आप ऐसे ही देख लें, ये इसकी साइड और नीचे से ये, और ये वाले फ्लावर मैंने इसके अंदर डालने हैं, और ये जो गोल्डन वाले पड़े हैं ये किसी दूसरे में डालूंगी। एंड वन मोर थिंग, ये जो बास्केट है ना, उन्होंने जहां से मैं ली थी उन्होंने कहा था मिस इसके अंदर हम फ्लावर भी सेट करके दे सकते, सॉरी इसके अंदर हम फ्लावर भी इधर सेट करके दे सकते हैं अगर आपने करवाने हो, लोग करवाते हैं, बट ये मुझे ऐसे ही बहुत अच्छी लगी थी। इसमें एक प्राम भी थी, प्राम टाइप सा था, कैरिकॉट टाइप भी था, तो मैंने कहा पहले मैं इनको सेट कर लूँ चीज़ों को, देन मैं वो भी आके ले लूँगी। अच्छा जी, इन सब के बाद जो मैंने लिया है आपको टेबल पे रख के दिखाती हूँ। एक मैंने ये ली है, सॉरी सेनरी, ये देखें, इस टाइप ऑफ अ कैलीग्राफी, ये शीशा है अंदर, ये इधर ड्राइंग रूम में ही किसी पे लगानी है। एक ये ली है, देन एक और भी ली है,
वो थोड़ी बड़ी है तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी। एक मैंने ये ली है, एक जी ये लैंप लिया है, दिस इज फॉर माय ड्राइंग रूम, उसके कॉर्नर में रखने के लिए। अभी ये साइड रूम में पड़ा हुआ है, इसको भी सेट करेंगे ये कॉर्नर में खड़ा करने के लिए। और ये दो गोल्डन है और ये लाइट सा गोल्डन और सिल्वरिश मिक्स है। एक्चुअली ये बेसिकली सेंटर में आना है, ये डिपेंड करता है कि आपने टॉप पे रखना है एंड में रखना है, इन कंट्रास्ट में है सेंटर में। तो जब हम आज सेट करेंगे तो इसको सेंटर में ले आएंगे। ये है जी पूरा ये। एंड वंस अगेन इफ यू लाइक एनीथिंग इन माई वीडियो, लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जी एक ये लिया है। अच्छा, यहाँ पे पहले शीशे का टेबल पड़ा होता था और ऊपर एक सीनरी लगी होती थी, टेबल ऊपर रख दिया है और सीनरी भी ऊपर लगा दी है क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन भी फुल फर्निश्ड है, तो हमने सोचा कुछ नया होना चाहिए तो एक ये लिया है। इसके ड्रॉ भी ओपन होते हैं लेकिन अगर मैं आगे आऊँगी तो मैं शीशे में आऊँगी बट कोई नहीं। ये देखें जी, ये इसके ड्रॉ हैं रेलिंग वाले, वैसे आपको पता ही होगा ड्रॉ ओपन होते हैं, ये तो मैं ऐसे ही चाय शो कर रही हूँ। ये देखें एक ये है। एंड द लास्ट थिंग व्हाट वी बॉट इज दिस प्लांट। एक्चुअली इधर बहुत बड़ा सा एक बहुत ही को बड़ा सा वेस पड़ा हुआ था हमारे इस कॉर्नर में, स्टेज के सेंटर में कॉर्नर है ब्लैक कलर का, और उसके अंदर आई थिंक राउंड अबाउट 3-4 हज़ार के फूल लग ही जाने थे। सो इट्स मच बेटर कि उसको हम रिप्लेस कर दें क्योंकि उसको देख देख के आंखें भी हमारी उबल गई थी, थक गई थी। तो हमने एक ये लिया है। इसका नीचे वाला जो है पॉट, इसको चेंज करेंगे, वो जो सिल्वर स्टील सिल्वर में होता है वो लेना है, बट उनके पास टाइम था नहीं तो जब हम जाएंगे। ये ऐसे है, ये फूल है कॉर्नर में। ये थी जी मेरी छोटी सी शॉपिंग, अब मैं वहाँ जा रही हूँ, वो देखें सारा गंद वगैरह समेटने। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कहेंगे बार बार कही जा रही है, बट मैं तो कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।